मैं कल एक फंक्शन में गया था, वहां पे सॉन्ग बज रहा था मनहारी सुकुमारी, सबने सुना होगा, काफी अच्छा लगता है सुनने में, बट मतलब क्या होता है दैट आई डोंट नो, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में, है ना। सेम थिंग विद योर ब्रांच ऑल्सो, ब्रांच आपके सब्जेक्ट्स में बहुत सारे, आपने 80% आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, 20% कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आते, बट उसको समझ लो, उसको याद कर लो, बिकॉज फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे तो एग्जाम में आपको अच्छा लगेगा। ओके, कभी भी पूरा आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट है पूरे ब्रांच में वो पूरा सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ओके, उसके फॉर्मूले याद कर दीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, बिलीव मी एग्जाम में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, जिस तरह से आप लोग ये गाना सुनते हो, सेम थिंग है, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी लगेंगी अगर आप उसको इन्जॉय करोगे, अच्छी एग्जाम में भी अच्छी लगेगी और सिलेक्शन देके जाएगी। सो बहुत ही आराम से चीज़ों को रिलेट करके सिंपल रह के पढ़ाई करते रहो बेटा, सिलेक्शन लेना ही है, इसके लिए कोई भी हमको कुछ भी करना पड़े, दांत दम दम भेद कुछ भी लगा लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ, और मोटा मोटी बात एक ही रहेगी सिलेक्शन की। सो वेरी मत करिए, स्माइल करते रहिए और एकदम मस्ती के साथ पढ़ते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।